प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो आवेदन है ना, वो यहाँ पे 24-25 के लिए शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है और घर बनाने का जो भी पैसा होता है 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है आपको दी जाती है। तो ऐसे में कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। तो क्या कुछ क्राइटेरिया रखी गई है उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। आवेदन कैसे हो रहा है आवेदन की भी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप अपना आवेदन जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका आवेदन करने के बाद जो लिस्ट बन के तैयार होता है उस लिस्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं पूरी जानकारी जो हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो है स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना जिनके पास घर नहीं होता है बेघर होते हैं उनको जो है सरकार यहाँ पे घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता राशि देती है। देखेंगे तो मेरे पास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो यहाँ पर मैंने खोल रखा हुआ है क्योंकि इसी पोर्टल के माध्यम से जो है सारे जानकारी को चेक किया जाता है और सारे चीज़ किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो अलग फर्जी पोर्टल है उस पर आपको नहीं जाना है। यही इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिसके लास्ट में देखेंगे तो .nic.in लगा हुआ है। यहीं से जो है सारे काम को आप कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है उसके लिए आपको हम जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले समझिए कि आवेदन कौन लोग कर पाएंगे क्योंकि इसका जो है एक पात्रता तय की जाती है उसको आपको फुलफिल करना होता है उसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन का जो भी जानकारी है यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया है कि क्या क्या आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए तो आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है तो बताया गया है कि 3 पहिया और 4 पहिया वाहन रखने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। यानी कि आपके पास 3 पहिया या फिर 4 पहिया किसी प्रकार की वाहन है तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ मशीनी 3 पहिया और 4 पहिया कृषि उपकरण रखने वाले कोई भी व्यक्ति इस योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसान हैं 3 पहिया 4 पहिया कृषि मशीन रखे हुए हैं तो भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी DDC को पत्र जारी किया है कि इनको इस योजना का लाभ मिलेगा और इसकी शर्तें तय कर दी है। विभाग की ओर से जारी पत्र में देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि कहा गया है कि 50,000 और इससे अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड रखने वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने KCC लोन लिया हुआ है और उसका जो राशि है 50,000 या फिर उससे अधिक है तो भी आपको PM आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार के पास पंजीकृत और कृषि उद्यम वाले परिवार भी इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आप सरकार के पास पंजीकृत है और कृषि उद्यम वाले परिवार हैं तो इस योजना का जो है बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आप आयकर भरते हैं व्यवसाय किए हुए हैं टैक्स देते हैं तो इस योजना के जो है पात्र नहीं होंगे। जिनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है वो भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनके परिवार का कोई भी सदस्य का 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय है वो भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि 2.5 एकड़ और 5 एकड़ असिंचित भूमि के मालिक भी इस योजना के तहत जो है बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। 30 प्रकार के अगर आप व्यक्ति हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करते हैं इसके नीचे स्तर पर हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है इसके साथ ही साथ एक और मेरे पास पेपर का कटिंग से बताया गया है कि बाइक फ्रिज वाले को भी मिलेगा PM आवास योजना का लाभ। यानी कि आपके पास बाइक है फ्रिज है तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको बेनिफिट मिलेगा कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 3 पहिया 4 पहिया आपके पास वाहन नहीं होनी चाहिए बाकी ये जानकारी दिया गया है तो ये चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो आवेदन है ना वो हमें कैसे करना है। ठीक है तो आवेदन करने के लिए देखिए सबसे पहले समझिए कि अभी जो है बिहार 2024-25 के लिए जो है 2,43,000 आवेदन यहाँ पे प्राप्त करेगी 2,43,000। ठीक है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो है इतना ही लक्ष्य दिया गया है और इतने लोग का जो है इस साल घर बनाने के लिए जो आवेदन है ना वो लिए जाएंगे। ठीक है आवेदन लेने का जो प्रक्रिया है ना देखेंगे पोर्टल पे कहीं भी ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक रहता तो काफ़ी सारे लोग जो है जो योग्य हैं वो आवेदन कर पाते लेकिन अभी तक इनके पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का कहीं भी लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन कैसे होता है समझ लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि विभाग के अंतर्गत कार्यकर्त आवास सहायकों के द्वारा सर्वे किया जाएगा।
यानी कि मान लीजिए अब जिस पंचायत के अंतर्गत आते हैं उसमें एक पंचायत होगा, उस पंचायत में एक आवास सहायक होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है सर्वे की जाती है, खुद से सर्वे कराते हैं वो लोग और देखते हैं कि कौन लोग जो योग्य हैं और कौन लोग योग्य नहीं है, ठीक है। तो बताया गया है कि उनके द्वारा सर्वे किया जाएगा, इसके लिए आवास सहायकों का पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है। पंजीकरण के बाद ही कोई सहायक लाभुक के चयन के लिए सर्वे कर सकेंगे। यानी कि क्या होता है कि जो भी आवास सहायक होते हैं ना, उनका एक बार पंजीकरण करके उनका जो भी आई डी वगैरह है वो क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। आईडी क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि तब उनको यहाँ पे एक ऑथराइजेशन मिल जाता है सर्वे करने के लिए। तो क्या करते हैं कि गांव में जाकर जो है सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद जो भी लाभुक होते हैं ना, उन सभी का जो सूची है ना उसको तैयार करते हैं, ठीक है। और उस सूची को जो भी ग्राम आपका सभा होता है जो कि आपके पंचायत में लगती है, उसके द्वारा जो है अंतिम रूप दिया जाता है, यानी कि उसको फाइनल किया जाता है कि मान लीजिए आपके पंचायत में जो है 10 लोगों का लाभ देना है और 50 लोग यहाँ पे मान लीजिए योग्य हैं, तो उसमें से 10 लोग का ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट कौन से टोले में, कौन से मोहल्ले में कितने लोगों को मिलेगा, किनको मिलनी चाहिए, ये जो है ग्राम सभा में तय होता है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो फाइनल लिस्ट है उसको तैयार कर दिया जाता है और फिर वो विभाग को दिया जाता है। उसके बाद उसका जो पोर्टल पे जानकारी है उसको अपलोड कर दिया जाता है, जो कि लिस्ट में आप नाम चेक भी कर सकते हैं, बताएंगे कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। 1,20,000 रुपये का जो बेनिफिट है वो देखने को मिलता है, जिसमें 3 किस्तों में आपको पैसे मिलते हैं 40,000 रुपये करके, ठीक है। तो आवेदन कैसे होता है, मैंने सही जानकारी आपको डिलीवर किया हुआ है, खुद से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके आवास सहायक है उनके द्वारा सर्वे करके आपका डेटा तैयार किया जाएगा, फिर वो लिस्ट जारी होगा, लिस्ट में आपका नाम आएगा तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको easytonet.com पे आना है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो पीएम आवास योजना का जो लिस्ट का एक बटन देखने को मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक लिंक मिलेगा चेक नेम इन लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले उस राज्य का सिलेक्शन करना है जहाँ का आपको लिस्ट चेक करना है, फिर यहाँ पे अपने जिले का सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपका जो भी प्रखंड है और पंचायत है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से ईयर का देखना चाहते हैं, तो मुझे 24-25 का देखना है, तो मैं 24-25 का यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही आपको सिलेक्ट करना है, कैप्चा को फिल करना है, अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ना है, माइनस करने के लिए बोल रहा है तो माइनस करना है, और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2024-25 का जो लिस्ट है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जो भी बेनिफिशियरी का नेम है देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, स्कीम का ईयर भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो हाउस स्टेटस है वो सेक्शन हो चुका है, पास हो चुका है, सेक्शन नंबर भी मिलेगा, कब सेक्शन हुआ है, तो देखिए 22/9/2024 को इनका सेक्शन हुआ है। हालांकि इन्होंने जो फॉर्म है ना वो देखेंगे तो 2019 में ही फिलअप किया हुआ था, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन जाकर 2024 में इनका होम सेक्शन हुआ है, ठीक है। 1,20,000 रुपये इनको मिलेगा, जिसमें से इनको जो है अभी पहला इंस्टॉलमेंट नहीं मिला हुआ है, लेकिन किसी किसी को देखेंगे तो पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 40,17/9/2024 को मिल भी गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप अपना लिस्ट है उसको चेक कर पाएंगे। हालांकि 24-25 का जो लिस्ट है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका जो फॉर्म फिलअप हुआ है ना 19 में हुआ है और 24-25 में इनका सेक्शन हुआ है। तो इस तरह से समझिए कि अगर आपका 24-25 में फिलअप होगा तो फिर आपको 26-27 तक जो है लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपके पास घर नहीं है और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो अपना आवेदन है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी किस तरह से लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया रखी गई है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर कर दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके जानकारी देने की कोशिश करेंगे।